अकेले अकेले लिमका पी रही है यार। सोनल दिमाग की ना बत्ती गुल हो गई है, बाय गॉड। ऐसा लग रहा है कि बस मेरे बाप और भाई को छोड़ के पूरे गाजियाबाद को मेरे ट्रैक्टर में अपना झंडा गाड़ रहा है। ये कौन है? सुनिए जी, आप जरा एक मिनट इधर आएंगे? इंदु, मीट उदय, माय बॉयफ्रेंड एंड टू बी हस्बैंड। सोनल, गेट मी अ लिम्का ऑन द रॉक्स। जी भैया जी, एक लिम्का ऑन द रॉक्स। जी भैया, थैंक यू। पीछे ना ये है उदय। हाँ यही है वो। पर तू तो कह रही थी कि तेरे उदय का सूरज उदय ही नहीं होते, ये तो फुल लैंड ऑफ राइजिंग सन लग रहा है। अरे पहले ऐसा नहीं था यार, ये नजारा तो लास्ट वीक ही बदला है। चल आजा बैठ के बताती हूँ। बता। तो उस दिन जब तूने सतीश को सलका के साथ उसके घर पे पकड़ा और मुझे पूरी स्टोरी बताई ना, एडमिट करती हूँ यार मेरी फट गई। मैंने डिसाइड किया कि मैं उदय के आस करने का वेट ही नहीं करूंगी। मैं घर गई, मैंने फटाफट से 3-4 एडल्ट फिल्में देख डाली और फिर जब संडे के दिन मम्मी पापा मामा मम्मी के यहाँ गए थे, मैंने उदय को घर कॉल किया और फिर धीरे से अंग्रेजी गाने बजाए और उसको बोला कि भाई पहले तो तू अपना झंडा गाड़ ले। बेटे, उस दिन के बाद से जो बदलाव आया मेरे रिलेशनशिप में, यार वो मुझे ऐसे ट्रीट करता है जैसे मैं उसकी वाइफ हूँ। अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी मानने लगा है मुझे, जैसे पापा लोग मम्मी लोगों को नहीं मानते। सेट हो गया यार मेरा तो, बता ही तेरे जीजू हिंदू। भाई एक लिमका ले आना प्लीज। मतलब तू कह रही कि अगर मैंने सतीश के साथ सेक्स किया होता तो आज नौबत ही नहीं आती? बिल्कुल नहीं।